हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंदौरी वाईटी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉरजोन ऑयल के बिगेस्ट अपडेट के बारे में। क्या वाकई में ये बिगेस्ट अपडेट वॉरजोन ऑयल के ग्लोबल लॉन्च को सक्सेसफुल बना पाएगा या नहीं, और क्या एंड्रॉइड डिवाइस में वाकई में गेम पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो गया है, क्या आईओएस डिवाइसेस में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, जिन भी आईओएस डिवाइस में गेम अच्छे से नहीं चल रही थी, इन सारे सवालों का दोस्तों आज हम जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ दोस्तों एंड्रॉइड डिवाइस में जो अपडेट आई है, काफी लोग अभी तक अपडेट नहीं कर पाए, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस जो बिगेस्ट अपडेट है वॉरजोन ऑयल का ऑप्टिमाइजेशन अपडेट, इसमें क्या मेजर चेंजेस हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बेस्ट ग्राफिक सेटिंग आपके लिए कौन सी रहेगी, और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कंक्लूजन का कि अपडेट वाकई में कितना इफेक्टिव है वॉरजोन मोबाइल के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग वॉरजोन मोबाइल की सेटिंग्स की तरफ, उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताऊंगा दोनों गेम प्ले, हाई ग्राफिक्स का, पीक ग्राफिक्स का, 60 FPS का और अनकैप्ड का, सारे ग्राफिक्स के सेटिंग के आपको दोस्तों मैं गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जाते हैं डायरेक्ट सेटिंग्स पे। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं लोबी के अंदर, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वॉरजोन ऑयल का जो ऑप्टिमाइजेशन अपडेट है उसमें सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस क्या है। तो सबसे पहले जाते हैं दोस्तों ग्राफिक्स के अंदर। ग्राफिक्स में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम, लो, मिड, हाई और पीक, ये ऑप्शन एड हो गए अभी फिलहाल में। मिनिमम लो और मिड लो के दोस्तों वो लोग इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन दोस्तों डायरेक्ट अनलॉक होंगे ग्लोबल लॉन्च में। अगर अभी अपडेट करने के बाद अगर आपका डिवाइस में हाईएस्ट सेटिंग शो कर रहा है, आपके डिवाइस में मिड, लो, मिनिमम नहीं शो कर रहा है, तो टेंशन मत लो, ग्लोबल लॉन्च में ये सेटिंग्स भी आ जाएगी। और अगर हाई ग्राफिक्स, पीक ग्राफिक्स में आपका डिवाइस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप ग्राफिक्स को लो कर पाओगे ग्लोबल लॉन्च में और आपका डिवाइस में गेम अच्छे से चलेगा। तो फिलहाल मैं पीक पर हूँ। अब इसके बाद दोस्तों फ्रेम रेट सिलेक्ट करके रखा है, आप बैटरी पर भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट फ्रेम रेट सिलेक्ट करो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों FPS के चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 30, 40 बाय 60 और अनकैप। अब दोस्तों 30, 40 बाय 60 से तो समझ में आता है कि हमको क्या फ्रेम रेट मिलने वाला है, बट यहाँ दोस्तों ये अनकैप वाला ऑप्शन है, ये क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपका जो डिवाइस है उसका जो डिस्प्ले वो रिफ्रेश रेट को 90 तक सपोर्ट करता है, तो आपको मैक्सिमम दोस्तों 90 तक FPS मिल सकता है जितना पावरफुल आपका डिवाइस होगा। अगर मेरे आईपैड की बात करूं, मैं 120 हर्ट्ज तक मेरा जो डिस्प्ले है सपोर्ट करता है, मतलब मुझे 120 तक FPS मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों FPS कॉन्स्टेंट नहीं चलेगा, यहाँ FPS वेरी कर सकता है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करेगा आपका डिवाइस, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेम रेट अचीव करने की कोशिश करेगा। अब ये तो हो गया दोस्तों ग्राफिक सेटिंग, यही है दोस्तों इस अपडेट में जो मेजर चेंजेस थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए। तो दोस्तों कल मैंने जब लाइव स्ट्रीम करी थी, मैंने एक वहां पर पोल रखा था, उस पोल पर दोस्तों 57% लोगों का गेम काफी इंप्रूव हुआ है। मेरी चैट में भी काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा उनका जो गेम है काफी इंप्रूव हुआ है, मतलब एंड्रॉइड में इंप्रूव तो हुआ है, बट अभी भी दोस्तों एंड्रॉइड में कहीं ना कहीं कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जहां पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से कुछ मिनी अपडेट के बाद उनके डिवाइस में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी जो एंड्रॉइड प्लेयर्स हैं उनके पास गेम काफी अच्छा हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं आईओएस की। दोस्तों मैंने हाई ग्राफिक्स और अनकेप पर खेल के देखा, मैंने पीक ग्राफिक्स और अनकेप पर खेल के देखा। अगर आप आईओएस यूजर हैं दोस्तों तो मैं आपको सजेशन दूंगा हाई ग्राफिक्स पर खेलो और अनकेप पर खेलो। 120 का तो मैं नहीं कह सकता, बट हाई ग्राफिक्स में मुझे दोस्तों जहां तक है 120 FPS या फिर 100 से 120 FPS के बीच में जरूर मिल रहा है, क्योंकि मुझे गेम काफी स्मूथ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पीक ग्राफिक्स में कहीं ना कहीं FPS अभी भी फ्लक्चुएट करता है, बट ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छी दिखती है, जो कि मैं आपको दोस्तों आगे गेम प्ले में बताने वाला हूँ। अब इसी के साथ दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो अपडेट है ये काफी मेजर अपडेट था एंड्रॉइड डिवाइसेस में। लगभग सारे डिवाइसेस की तो नहीं बात कर सकते, 70 to 80% डिवाइसेस की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, तो गेम को मैं कह सकता हूं कि ग्लोबल लॉन्च के लिए रेडी है, बट कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि गेम अभी भी क्रैश हो रहा है कहीं कहीं डिवाइसेस में, तो मिनी अपडेट में वो ठीक हो जाना चाहिए। डेवलपर्स जितने ज्यादा से ज्यादा जो ये मेजर अपडेट है इसका फीडबैक लेके जितना जल्दी सॉल्यूशन देते हैं उतना जल्दी ग्लोबल लॉन्च के लिए गेम रेडी हो जाएगा। बाकी ग्राफिक क्वालिटी दोस्तों शानदार कर दी है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं तुरंत थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम करूंगा, जहां आपसे लाइव बातें भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों, ये तो हो गई बातें अपडेट की, क्या कुछ चेंजेस है, अब मैं आपको बताता हूँ फटाफट से गेम प्ले मल्टीप्लेयर का और
बैटल रॉयल का। तो आप गेम प्ले इंजॉय करिए और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके डिवाइसेस में दोस्तों गेम कैसी चल रही है, गेम इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, ताकि एक हमको आइडिया लग सके। और आपके डिवाइस में जो सीपीयू है और जीपीयू है वो भी मेंशन करना, ताकि पता चल सके किन डिवाइसेस में प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूंगा ट्विटर के जरिए या फिर डिस्कॉर्ड के जरिए डेवलपर्स तक ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, ताकि डेवलपर दे पाए उन तक मैं आपकी प्रॉब्लम पहुंचा पाऊं। और दूसरा है दोस्तों, एंड्रॉइड में काफी लोगों ने अभी तक गेम डाउनलोड नहीं करा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से आपको पूरा एपीके फाइल मिल जाएगा वॉरजोन मोबाइल के लेटेस्ट अपडेट का, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कोई भी फाइल मैनेजर इंस्टॉल करना आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस में और वहां से उस फाइल को ओपन कर लेना, तो आपके डिवाइस में नॉर्मली गेम डाउनलोड हो जाएगा। और iOS वाले डायरेक्ट रीजन चेंज करके अपने गेम को अपडेट कर सकते हैं। एक आपको टिप देना चाहूंगा, गेम को पूरा डिलीट कर दो उसके बाद ही इंस्टॉल करो। एंड्रॉइड यूजर्स भी उस फाइल पैकेज को इंस्टॉल करने से पहले अपना जो पुराना वर्जन मोबाइल है उसको डिलीट कर लेना। तो चलते दोस्तों गेम प्ले में। गेम प्ले में बताता हूं आपको हाई ग्राफिक्स, पीक ग्राफिक्स, 60 FPS और अनकैप। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लोबी के अंदर, और लोबी में दोस्तों ये जो ग्राफिक सेटिंग आप देख रहे हैं ये है दोस्तों हमारा पीक और अनकैप। तो पीक और अनकैप पे दोस्तों कुछ इस तरीके से गेम चल रहा है और ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, पर दोस्तों FPS यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। अब होता है दोस्तों मैजिक जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों ग्राफिक को कर देंगे पीक से हाई और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 120 FPS। ये देखो दोस्तों कितना स्मूथ लग रहा है गेम, 120 है या 90 या 60 है, बट 60 से अबव है दोस्तों, काफी स्मूथ है। तो गेम प्ले इंजॉय करो दोस्तों मल्टीप्लेयर का, इसके बाद VR का गेम दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये था हाई ग्राफिक्स और अनकैप पर मल्टीप्लेयर का गेम प्ले। अब हम लोग जाते हैं दोस्तों VR में। तो जो iOS के लिए बेस्ट ग्राफिक सेटिंग रहेगी दोस्तों वो रहेगा हाई ग्राफिक्स और अनकैप। तो दोस्तों ये है बैटल रॉयल का गेम प्ले, जो मेरी ग्राफिक सेटिंग है वो है दोस्तों हाई ग्राफिक्स और अनकैप पर। तो क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया मल्टीप्लेयर में पीक ग्राफिक्स पे मैक्सिमम FPS नहीं मिल रहा है, तो बेस्ट ग्राफिक सेटिंग जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी हाई ग्राफिक्स और अनकैप। तो यहाँ पर गेम दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम पर या फिर आपको वीडियो में 60 FPS से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, पर मैं यहाँ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ दोस्तों। पड़ावट से उतरते हैं और आप गेम प्ले इंजॉय करो किस तरीके से आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये हाई ग्राफिक्स और अनकैप पर है, मतलब जितना भी मैक्सिमम FPS मुझे मिल सकता है। और ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पहले के मुकाबले, पहले मुझे इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं आते थे, पिक्सेलेटेड होते थे और ना ही इतना बढ़िया FPS मिलता था, और अभी गेम काफ़ी स्मूथ लग रहा है। बट एक चीज़ की कमी है कि अभी तक 120 FOV नहीं आया है, 120 FOV का इंतज़ार रहेगा जब भी आएगा। तो एक टेस्ट करके हम लोग देख लेते हैं, ये दोस्तों ये बिल्डिंग को हम देख लेते हैं, ये बिल्डिंग अभी हाई ग्राफिक्स है, अभी हम इसको स्विच करते हैं पीक पर। ये है दोस्तों पीक ग्राफिक सेटिंग, पीक में थोड़ा सा और टेक्सचर इंप्रूव होता है, पर यहाँ आप देख सकते हैं FPS इतना स्मूथ नहीं है, ये शायद तक कम चल रहा है, 60 भी नहीं चल रहा है। अब इसको मैं पीक को मैं 60 FPS पर स्विच करके देखता हूँ कि प्रॉपर चल पाता है या नहीं चल पाता है। नहीं चल रहा गाइस, 60 भी प्रॉपर नहीं चल रहा है, ये 50 से कम है थोड़ा, 45-50 है। अब वहीं पर अगर हम इस सेटिंग को ग्राफिक्स को चेंज करते हैं, पीक से हाई पर जाते हैं और अनकैप पर जाते हैं, तो यहाँ दोस्तों हमारा गेम एकदम स्मूथ, सुपर स्मूथ बन जाता है। ये रियल प्लेयर है ये शॉटगन वाला। ये आप देख सकते हो ग्राफिक्स क्वालिटी पहले के मुकाबले। हम यहाँ पर स्कोपिंग करके देखते हैं कितना दूर तक आया। देखो गाइस पहले ब्लरी दिखता था, मतलब स्नाइपिंग करने में और भी मजा आने वाला है।
वाई वाई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पहले जो वाई वाई मूवमेंट होता था वो अभी नहीं हो रहा है। पर और गाइस कंट्रोल्स और सेंसी रीसेट नहीं हुआ है, बस लोड आउट रीसेट हुआ है। बस स्नाइप करने में अब काफी मजा आया क्योंकि ग्राफिक्स इंप्रूव हो गए, तो हेड पर मारना काफी आसान रहेगा, पहले के मुकाबले ग्राफिक्स काफी इंप्रूव है। लेट्स गो गाइस, विनर विनर वर्सन वैगनर। तो दोस्तों ये था गेम प्ले हाई ग्राफिक्स और अनकैप पर, तो आप लोगों को कैसा लगा? और ओवरऑल अपडेट काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई है। बाकी देखते हैं लाइव स्ट्रीम पर और इस गेम को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला गेम था अपडेट करने के बाद, तो मैंने सोचा फटाफट से वीडियो बना के आप लोगों के साथ में मेरे इनिशियल थॉट शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी और भी डिटेल में इस पर बात करेंगे। मेरा सजेशन रहेगा मिनिमम ग्राफिक्स और हाईएस्ट फ्रेम रेट पर इस गेम को खेलना। तो एंड करते हैं गाइस, लेट्स गो।